वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन्फोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज का हमारा टॉपिक है डबल एच लुकअप। डबल वी लुकअप मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डबल वी लुकअप को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अब हमारा टॉपिक है डबल एच लुकअप, तो डबल एच लुकअप को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। आप देखेंगे हमने जो टेबल ली हुई है वो सेम एम्प्लॉयज़ की है, लेकिन जो दोनों टेबल है उसमें डेटा अलग अलग है। जैसे हम बात करें यहाँ पर हमने जो डेटा लिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी ली हुई है, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, सैलरी। और सेकंड टेबल की अगर हम बात करें तो सेकंड टेबल में एम्प्लॉय नेम है, पोस्ट है, फ़ोन नंबर है, आधार है, जीएसटी और पैन नंबर है। दोनों ही टेबल में से जो डबल एच लुकअप है हमारा वो काम क्या करता है, दोनों ही टेबल में से जो सेम डेटा होता है उसको एनालाइज करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। तो काफ़ी मैजिकल फॉर्मूला डबल एच लुकअप का भी है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको करना क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर हमने आईडी लिखी हुई है और पैन नंबर लिखा हुआ है, यानी पहले टेबल में से हमने आईडी को लिया हुआ है और सेकेंड टेबल में से हमने पैन नंबर लिया हुआ है। यहाँ पर आप सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वल टू एच लुकअप का, फिर से आप यूज़ करेंगे एच लुकअप का। एच लुकअप यूज़ करने के बाद अभी हम पहले वाले एच लुकअप को छोड़ करके दूसरे वाले एच लुकअप को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले लुकअप वैल्यू बोल रहा है, तो लुकअप वैल्यू में सेम हम उसी तरीके से आईडी की रेंज लेंगे। आईडी की रेंज लेने के बाद टेबल एरे है, तो टेबल एरे के अंदर हम फर्स्ट टेबल की रेंज लेंगे। फर्स्ट टेबल की रेंज लेने के बाद कॉमा यूज़ करना है। टू आपको पता है किस लिए, क्योंकि टू सेकेंड नंबर पर हमारा जो आईडी है या एम्प्लॉय नेम है या जो भी है हम उसको यूज़ करते हैं। टू थ्री फोर आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर टू लिखा हुआ है। टू के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमा और फिर यूज़ करेंगे जीरो। जीरो मैंने आपको बता ही रखा है कि एग्जैक्ट मैच करने के लिए हम लोग जीरो का यूज़ करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट को करेंगे हम लोग बंद। ब्रैकेट को बंद करने के बाद फर्स्ट हमारा एच लुकअप यूज़ हो चुका है। एच लुकअप के बाद जो हमारा पहला वाला एच लुकअप है अब हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि ये जो एच लुकअप का पूरा फंक्शन है वो आपकी आईडी रेंज हो गई और इसके बाद आप कॉमा यूज़ करेंगे। कॉमा यूज़ करने के बाद आपको लेना है टेबल टू की रेंज, यानी इस पूरी की पूरी टेबल की रेंज ले लीजिए आप। रेंज लेने के बाद आपको कॉमा का यूज़ करना है। कॉमा यूज़ करने के बाद यहाँ पर हम लिखते थे टू। टू क्यों, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया कि टू इसलिए क्योंकि जो भी डेटा हमारा सेकेंड नंबर पर है हमारा वही डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी डेटा लिखूँ उसी डेटा का, यानी जो भी मैं हेडर यहाँ पर लिखूँ वही हेडर मेरे सामने, उसी हेडर का डेटा मेरे सामने शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन यूज़ करेंगे एक मैच का। मैच भी अपनी जगह बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है जो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अभी आप इस फॉर्मूले के अंदर इसको समझ जाएंगे, बाकी मैं इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा मैच के बारे में। तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए हमने मैच को यूज़ किया, तो मैच के लिए ये मैच किसको करे, तो इस हेडर को मैच करे, यानी इस पेन नंबर को मैच करे। कॉमा किससे मैच करे, इस पूरी टेबल टू के हेडर में से मैच करे, यानी कि इस पूरी टेबल के हेडर में से जो भी हेडर यहाँ पर होगा वही डेटा मेरे सामने रिप्रेजेंट होना चाहिए। इसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर तीन ऑप्शन आ गए हमारे सामने। तीन ऑप्शन में से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ डबल वी लुकअप के अंदर कि लेस देन यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास आपको डेटा लेस देन शो कराना है तो आप वन का यूज़ करेंगे, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप जीरो का यूज़ करेंगे, अगर आपको ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए तो आप यूज़ करेंगे माइनस वन का। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे किसका, जीरो का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ब्रैकेट को हम लोग कर लेंगे बंद। इसके बाद कॉमा यूज़ करने के बाद एच लुकअप के लिए हमें जीरो देना होगा। इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम जीरो फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। जीरो फंक्शन का यूज़ करने के बाद ब्रैकेट को करेंगे बंद और फिर प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे सामने एन ए का मैसेज शो हो गया। इसके बाद आई डी में जो भी हम आई डी डालेंगे, लाइक हमने डाल दिया 102, एंटर प्रेस करेंगे तो 102 पर 102 का जो भी पैन नंबर है वो शो हो गया। तो मैच करके देखते हैं एक बार, तो 102 पर कौन है, 102 पर है अंशिका, और अंशिका का पैन नंबर क्या है मैं अभी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अंशिका को फाइंड करते हैं हम लोग। अंशिका ये रही और अंशिका का जो पैन नंबर है वो ये रहा। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है, सेम वही डेटा है हमारा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोई भी हेडर चेंज करते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ मैंने यहाँ ले लिया उसका पोस्ट, तो हम यहाँ से पोस्ट को कॉपी करते हैं और पोस्ट को यहाँ कर देते हैं पेस्ट। आप देखेंगे यहाँ पर पोस्ट उसकी शो अप हो गई, ये देखिए टीम लीडर शो हो रहा है।
अगर हम यहाँ पर आईडी चेंज करते हैं, 108 दिया हमने, तो 108 पर कौन है? सेल गर्ल है, तो 108 पर हम चेक कर लेते हैं, 108 पर कौन है? तो 108 पर है नीलम। और नीलम की अगर हम बात करें तो नीलम कहाँ है? नीलम फर्स्ट नंबर पे है, जो है सेल गर्ल। देखिए इसने दोनों टेबल में से डेटा को फाइंड कर रहा है और हमारे सामने डेटा को शो करा रहा है। पिछली वीडियो में मैंने इफ एरर फंक्शन का भी यूज आपको करके दिखाया था डबल वी लुकअप के अंदर, तो मैं इसके अंदर भी आपको उसका यूज बता देता हूँ। आप इस फॉर्मूले के ऊपर डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करने के बाद आपको इज इक्वल टू के बाद आना है, यहाँ पर यूज करना है इफ एरर का। इफ एरर का यूज करने के बाद आपको करना क्या है, फॉर्मूले के बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद आपको जो भी यहाँ पर मैसेज देना है वो मैसेज दे सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया नॉट मैच। नॉट मैच के बाद इन्वर्टेड कोट को बंद करिए, ब्रैकेट को बंद करिए और फिर प्रेस करिए एंटर। अभी आपको कुछ शो नहीं हो रहा, शो तब होगा जब यहाँ पर आप आईडी डालेंगे रॉन्ग। जैसे मैंने डाल दिया 110, यानी 110 110 नंबर, तो 110 नंबर इन दोनों ही डेटा में से अगर आप चेक करेंगे तो 110 नंबर आईडी है ही नहीं, तो इसलिए वो नॉट मैच शो हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको नॉट मैच लिखना है, आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहें तो नॉट मैच को रिमूव करके आप यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ब्लैंक छोड़ने से होगा क्या कि जब भी आप कोई डेटा यहाँ पर गलत डालेंगे, यानी जो भी आप आईडी यहाँ गलत डालेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा, यानी वो जो एनए का एरर आता था वो भी आपके सामने शो अप नहीं होगा। और अगर आप कोई परफेक्ट वैल्यू डालते हैं, जैसे मैंने दिया 109, तो 109 हमारे डेटा में है, उसका डेटा हमारे सामने शो अप हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।